नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई की धारावी के बारे में अब तक आपने जो जाना, उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। मुंबई में फिल्म सिटी है ये तो आप जानते हैं, लेकिन मुंबई की सबसे खास लोकेशन धारावी भी है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मुंबई की धारावी में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आपको ये तो पता ही है कि यह भारत की सबसे बड़ी स्लम है, 520 एकड़ में फैली हुई है और 2.1 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसमें 7 लाख लोग रहते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ये काफ़ी भीड़भाड़ वाली जगह है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इसमें कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। धारावी में 2008 में स्लम डॉग मिलेनियर की शूटिंग हुई थी। ये फिल्म काफ़ी पॉपुलर भी रही थी। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, बॉम्बे और राम गोपाल वर्मा की कई फिल्मों की शूटिंग धारावी में हुई है। इसके अलावा फुटपाथ, ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, ट्रैफिक सिग्नल, आमिर और भूतनाथ रिटर्न्स की शूटिंग भी धारावी में ही हुई है। इसी के अलावा अभी 2019 में आई चर्चित फिल्म गली बॉय की शूटिंग भी धारावी में की गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि धारावी में इन फिल्मों की शूटिंग की गई है, तो आपको बता दें कि इन सभी फिल्मों में धारावी को एक प्रक्षेप के रूप में दिखाया गया है, जिसके कारण यहाँ की कहानियों को पूरे विश्व तक पहुँचाने की कोशिश की गई है, जिसमें धारावी में शूटिंग करना लाजमी बन जाता है। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।